सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐमन ख़ान मिनाल ख़ान की। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, ऐमन मिनाल के वालद की वफ़ात के बाद ये दूसरा फादर डे था जिसमें इनके वालद इनके साथ नहीं थे। ऐमन ख़ान और मिनाल ख़ान दोनों बहनों का शुमार इंडस्ट्री की इन अदाकाराओं में होता है जो कि हर फंक्शन, चाहे वो फादर डे हो या फिर मदर डे हो या फिर किसी की सालगिरह हो, बहुत धूमधाम अंदाज से मनाती हैं। ऐमन मिनाल हर फादर डे पर लाखों रुपये खर्च करती थी और अपने वालद को सरप्राइज देती थी। पाकिस्तान की तमाम अदाकाराओं को हमेशा की तरह इस मौके पर पीछे छोड़ देती, मगर ये दूसरा फादर डे था जब इनके वालद इनके साथ नहीं थे, जहां पाकिस्तान की बाकी तमाम अदाकाराएं अपने वालद के साथ तस्वीर और वीडियो शेयर करके अपने वालद को विश कर रही थी। वहीं पर ऐमन ख़ान ने भी फादर डे पर अपने वालद के साथ बनाई गई कुछ तस्वीर और वीडियो अपने मदाहों के साथ शेयर की और फादर डे का कार्ड ली और फूल ली, अपने बाप की कब्र पर पहुँच की, वहाँ से भी तस्वीर बनाकर मदाहों के साथ शेयर की और अपने वालद के लिए इन तस्वीर के नीचे जो लिखा इस अल्फाज ने सबको रुला डाला, मगर क्या लिखा वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। मगर इससे पहले आए देखते हैं ऐमन ख़ान मिनाल ख़ान ने फादर डे पर कब्र पर जाने से पहले कौन सी वीडियो मदाहों के साथ शेयर की। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बता दे चले, इन वीडियोस के बाद जब ऐमन ख़ान अपने बाप की कब्र पर गई तो ऐमन ख़ान का यही लिखना था कि मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, हम सब आपके बगैर नामुकम्मल हैं। वहीं पर मिनाल ख़ान ने भी यही लिखा कि सारे जहां की खुशियां ला कर देखी, मगर बाबा आपके जाने का गम सबसे ज्यादा है, मगर आप सब लोग ऐमन ख़ान और मिनाल ख़ान के वालिद को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।